एक तरफ जहां सर्दी बढ़ रही है तो वहीं घने कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। यमुनानगर कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आया। विजिबिलिटी इतनी कम है कि वाहन रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हैं। इस कोहरे के साथ तापमान में भी आई गिरावट ने ठंड की ठुठरन को और बढ़ा दिया है। ऐसे में नौकरी व मजदूरी करने वाले लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सभी वाहनों की हेडलाइट ऑन करके चल रहे हैं ताकि आगे रास्ता साफ दिखाई दे। यमुनानगर के गांव लाहर तहारपुर के सनी ने बताया कि वह नौकरी करते हैं और रोजाना साइकिल पर ही नौकरी पर जाते हैं, लेकिन आज धुंध ज्यादा होने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आई। आज सबसे ज्यादा धुंध है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है सनी का। मेरा नाम सनी है जी, मैं लाहर तहारपुर का रहने वाला हूँ। बहुत धुंध बहुत है जी, मैं अभी साइकिल पे आया जी, अधर रास्ता साइकिल नहीं चली मेरे पास। ये इतनी धुंध आज पहली बार पड़ी है नवंबर में, ठंड भी बहुत ज़्यादा, हाथ पैर सुन्न हो गया। और आगे क्या कुछ विजिबिलिटी कैसी थी, आगे ज़्यादा धुंध थी दिखाई दे रहा था? बस इधर सिर्फ मोड़ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बहुत धुंध थी, बस पैदल ही आया अधर रास्ते। धुंध के साथ साथ ठंड भी बढ़ गई है। ऐसे में सड़क पर निकलने वालों को यही हिदायत है कि वह सावधानी से चले ताकि इस कोहरे के कहर से हादसों का शिकार ना हो।